कि अगर इतना ही ज़रूरी था इस बच्चे को बेंगलोर भेजना, तो क्यों नहीं इसको एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर से भेजा गया। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी देखना। गाइज दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, जो कि टिकटॉक पर तो कुछ ज़्यादा ही वायरल चल रही है, कि एक 40 दिन के बच्चे को मैंगलोर से बेंगलोर शिफ्ट किया गया और 8 घंटे का सफ़र था, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में शिफ्ट किया गया 352 किलोमीटर जीरो ट्रैफिक करके, सारी ट्रैफिक को रोक कर, सारी ट्रैफिक हटा कर, सिर्फ और सिर्फ इस सफ़र को 4 घंटे में तय किया गया। तो इसके लिए हनीफ भाई को तो वाकई यार सैल्यूट बनता है और वाकई में एक प्राउड वाली बात है। और अब आती है दूसरी चीज़, जो कि आप सभी के सवाल होते हैं और मेरे दोस्त भी आपस में बात किया करते हैं और मैंने बहुत लोगों को देखा, इवन मेरा भी अभी कुछ टाइम पहले तक यही सवाल था कि अगर इतना ही ज़रूरी था इस बच्चे को बेंगलोर भेजना, तो क्यों नहीं इसको एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर से भेजा गया। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी देखना। तो गाइस देखो, एरोप्लेन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि एरोप्लेन सबके लिए नहीं होता है, कि कोई भी एरोप्लेन किसी के लिए खास काम के लिए नहीं होता है। एयरजेट होते हैं, एयरजेट यहाँ हेलीकॉप्टर होते हैं, लेकिन एरोप्लेन से आप किसी एक 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 पेशेंट के लिए या एक या कितना भी बड़ा बंदा हो, कितना भी अमीर बंदा हो, एरोप्लेन उसको कहीं भी शिफ्ट नहीं करता है। एरोप्लेन सिर्फ जो है सवारी के लिए होता है। गाइस अब बात रह गई एरोप्लेन की, बात तो साइड ही हो गई, उसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। अब बात रह गई हेलीकॉप्टर की। तो गाइस डॉक्टरों का कहना है कि अगर हम इसको हेलीकॉप्टर में भेजते तो हेलीकॉप्टर, आपको पता है एरोप्लेन की जैसी फैसिलिटी नहीं है, हेलीकॉप्टर पंखे से उड़ता है अपने, तो अगर हम उसको हेलीकॉप्टर से भेजते तो वहाँ क्या होता है, एयर प्रेशर जो है कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब हवा का दबाव घटता बढ़ता रहता है, तो इस वजह से बच्चे की जान को खतरा हो सकता था। इस वजह से हमने उसको जो है हेलीकॉप्टर से नहीं भेजा और एम्बुलेंस से भेजना प्रेफर किया। तो बस गाइस यही वजह थी कि बच्चे को हेलीकॉप्टर से नहीं भेजा गया, क्योंकि बच्चे की जान को खतरा हो सकता था, और एम्बुलेंस से भेजा गया और एम्बुलेंस ने अपना काम कर दिखाया। तो यार हनीफ भाई थैंक यू और सैल्यूट है आपको। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो सब्सक्राइबर नहीं चाहता हूँ। बस अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में कर देना, मैं आगे और ऐसी वीडियो अगर आपका कोई सवाल होगा तो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।